दोस्तों यह है सीगेट का पोर्टेबल हार्ड ड्राइव जिसकी कैपेसिटी है 2 TB और ये मैंने फ्लिपकार्ट साइट से ख़रीदा है जिसकी कीमत है 5,899 रुपीज़। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और इसके फीचर में भी बताऊंगा, तो देखते रहिए रोस्टेक सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिरोज सेफ और यह है सीगेट का एक्सपेंसिव पोर्टेबल हार्ड ड्राइव जो 2 TB कैपेसिटी के साथ में आता है और यह है इसका बॉक्स। तो चलिए करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स के ऊपर डिटेल क्लियरली मेंशन किया हुआ है, काफ़ी स्लिम है और काफ़ी लाइट वेट भी है। बॉक्स के ऊपर कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, बस सिंपल 2 TB और इसका लोगो, उसका नाम लिखा हुआ है और ये आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कॉम्पेटिबल और यह USB 3.0 को सपोर्ट करता है, इसके साथ साथ 2.0 को भी सपोर्ट करता है। तो चलिए करते हैं इसको ओपन। ओपन करने पर देखिए निकलता है इसमें एक ब्लैक कलर का हार्ड डिस्क। यह ब्लैक कलर का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है, वैसे अलग अलग कलर में भी ये मार्केट में अवेलेबल है और अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये आपको 1 TB, 2 TB, 4 TB और 5 TB के ऑप्शंस में भी मिलता है। ये देखिए ये हार्ड डिस्क बहुत ही लाइट वेट है इसका। ये देखिए नीचे इसमें सीगेट का लोगो दिया हुआ है और ऊपर इसका LED लाइट दी हुई है और पीछे ये इसका सीरियल नंबर और मॉडल नंबर दिया हुआ है। ये इसका पोर्ट। अब बात करते हैं इसकी डाटा केबल की। ये देखिए 3.0 USB डाटा केबल है ये। तो इस तरफ ये पोर्ट जो कि हार्ड डिस्क में इन हो जाएगा, इस तरीके से ये हार्ड डिस्क में आपके इन हो जाएगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, ब्लैक कलर में है जो कि प्लास्टिक बॉडी है और शाइनिंग बॉडी है। मैं इस हार्ड डिस्क को अपने लैपटॉप में लगा करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे डिटेक्ट करता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है और कितनी फास्ट स्पीड से इसमें डाटा हमारा सेव होता है। ये देखिए मैंने इसे लैपटॉप में अपने कनेक्ट कर दिया। ऊपर से देखिए ये LED लाइट जल चुकी है, ये LED लाइट जल चुकी है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने पर आप देखिएगा कि ये कैपेसिटी दिखा रहा है इसका 2 TB। अब मैं इसमें एक फाइल कॉपी करके देखता हूँ और देखते हैं इसकी कॉपी की स्पीड क्या है। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है और ये कॉपी चला दिया है, काफ़ी फास्ट स्पीड से ये कॉपी हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास लिमिटेड स्टोरेज स्पेस है। तो ये देखिए कितनी हाई स्पीड से इसका डाटा कॉपी हो रहा है। ये देखिए लगभग 450 MB का ये डाटा कॉपी हो चुका है और जिसको कॉपी होने में 1 मिनट से भी कम वक्त लगा है। अब मैं इस डाटा को डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको यह हार्ड ड्राइव कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।